खरगोन न्यायालय परिसर में अभिभाषक के चुनाव संपन्न हुए। सुबह 11 से शाम 5 बजे तक चली चुनाव प्रक्रिया के दौरान अध्यक्ष पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबले में प्रकाश मंडलोई अध्यक्ष चुने गए। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद अभिभाषकों ने निर्वाचित पदाधिकारियों को मिठाई खिलाकर बधाई दी। चुनाव प्रक्रिया के चलते दिन भर अभिभाषक संघ कार्यालय के बाहर समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा। शाम करीब 5:30 बजे अभिभाषक संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व कार्यकारिणी सदस्यों के नामों की घोषणा की गई। निर्वाचन अधिकारी पुरुषोत्तम सोहनी और पंकज भोसले ने बताया कि सुबह 11 से 3 बजे तक चली मतदान प्रक्रिया में 233 सदस्यों में से 215 सदस्यों ने मतदान किया। अध्यक्ष पद के लिए विशाल पराशर, बद्री नारायण जोशी और प्रकाश मंडलोई ने दावेदारी की थी। प्रकाश मंडलोई 111 मतों से विजयी घोषित किए गए। उपाध्यक्ष पद के लिए संतोष जायसवाल, राजेंद्र सिंह परमार, महेश रेवलिया ने दावेदारी की। इनके बीच त्रिकोणीय मुकाबले में संतोष जायसवाल 139 मतों से विजयी घोषित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। चुनाव संपन्न हुआ है, आप चुनाव अधिकारी के रूप में थे, क्या आंकड़ा रहा? आज 11 बजे से 3 बजे तक अभिभाषक संघ सभागृह में मतदान हुआ। कुल 233 मतदाता थे, जिसमें से 215 मतदाताओं ने अपना मतदान किया और उसमें से अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवार थे, जिसमें विशाल पाराशर, बद्री नारायण जोशी और प्रकाश मंडलोई। इसमें से प्रकाश मंडलोई को 111 मत प्राप्त हुए और वो विजय घोषित किए गए हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए भी संतोष जायसवाल, राजेंद्र सिंह परमार और महेश रेवलिया 3 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें से संतोष जायसवाल को 139 मत प्राप्त हुए और वो विजय घोषित किए गए हैं। सचिव पद के लिए रविंद्र यादव जी थे, जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। किसी प्रकार की हिंड्रेंस वगैरह नहीं है चुनाव में? कोई असुविधा नहीं भी, सारे हमारे सदस्यों ने हमको पूर्ण सहयोग किया, सभी के सहयोग, सभी के मार्गदर्शन से हमने ये कार्रवाई पूर्ण की। कितने दिवस से काल रहा है चुनाव और इसके बीच में? ये 2 वर्ष का कार्यकाल है, 2023-24 से 2025 के लिए। अभी चुनाव के लिए कितने उम्मीदवारों के नाम लेने से ले जाके आज तक के दिन में कितने दिनों का ये रहा चुनाव? ये पूरा कार्यक्रम लगभग 1 माह 10 दिन का रहा। 1 माह 10 दिन से हम लोग लगे हुए थे, जिसका आज अंत, सुखद अंत हुआ है और सभी प्रकार से बढ़िया से संपन्न हो गया है। जी, पुरुषोत्तम सोहनी, मुख्य चुनाव अधिकारी। मेरे साथ में थे श्री पंकज भोसले, सहायक चुनाव अधिकारी, श्री ब्रजेश यादव जी। ये सब हम लोगों ने मिलकर के कार्य को संपन्न करवाया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।